हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ रुचि। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, हेल एंड हार्टी होंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सबसे पहले तो मेरी पुरानी वीडियो बीइंग अ मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स वाइफ चैलेंजेस एंड एडवांटेजेस, उसको बहुत प्यार देने के लिए, और कंटिन्यूड है, कंटिन्यूड थैंक प्यार दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई वीडियो लेके आई हूँ। पहले तो था वो चैलेंजेस जो आपके हस्बैंड के साथ आपको फेस करने पड़ते हैं, अब चैलेंजेस एंड एडवांटेजेस हस्बैंड की फैमिली या आपकी फैमिली के साथ, हस्बैंड को एक दूसरे के साथ कैसे फेस करने पड़ते हैं, ये थोड़ा काफ़ी डिमांडेड क्वेश्चन था। सो फ्रेंड्स, इसी के रिलेटेड मैं आज एक नई वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें फैमिलीज के साथ आप कैसे कोप अप करते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या चैलेंजेस होते हैं एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर की वाइफ के, उसकी उसके हस्बैंड की फैमिली के साथ, और उसके हस्बैंड का आपकी फैमिली के साथ। सबसे पहले तो मैं क्लियरली आपको एक बात बताती हूँ कि हर एक का अपना वे ऑफ टेकिंग थिंग्स होता है, हर एक का अपना एक पेशेंस लेवल होता है, हर एक का अपना एक एटीट्यूड होता है इन लाइफ, टेकिंग थिंग्स इन लाइफ। सो इस चीज़ को आप पर्सनली मत लीजिएगा, ये मेरे अपने व्यूज़ बता रही हूँ, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ आपको, काइंडली इसमें जजमेंटल मत होइएगा। ये सिर्फ एक आपको एक गाइडेंस है, एक आपको एक नॉलेज दे रही हूँ कि हाउ टू डील विद द सिचुएशंस, क्योंकि हर बंदे की लाइफ में कहीं ना कहीं एक टफ टाइम आता है और उसी में स्मार्टनेस होती है कि हाउ यू डील विद इट। तो मैं कुछ गाइडेंस आपको दूंगी। मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं, तो फॉर 9 ईयर्स आई स्टेड विद माय इन-लॉज। अभी 3 साल हुए हैं, हम लोग पहले डलहौजी में थे, देन वी मूव्ड हेयर इन चंडीगढ़, अभी आए हैं हम। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो चंबा को बिलोंग करते हैं और मैं चंडीगढ़ को बिलोंग करती हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप एवरीथिंग इन चंडीगढ़। तो हम लोगों ने फिर ये, क्योंकि चंबा लैक्स इन एजुकेशनल फैसिलिटीज़ एंड हेल्थ फैसिलिटीज़, तो इसलिए हमने अब डिसाइड किया आफ्टर 9 ईयर्स कि वी शुड मूव नाउ टू अ बेटर प्लेस। एक तो वाई चंडीगढ़, एक तो मेरा अपना शहर है यहाँ पे, इट इज़ नोन टू एवरीबडी व्हाट चंडीगढ़ इज़। सो इसमें यहाँ पे एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, तो और मोर ओवर यहाँ पे मेरे रिलेटिव्स भी काफ़ी हैं, मेरा अपना मायका यहाँ पे है, मेरे पेरेंट्स यहाँ हैं, मेरा ब्रदर यहाँ है, और मेरे सिस्टर इन लॉ भी इधर ही है, मोहित की सिस्टर जो है वो भी, शी स्टेज इन ट्राई सिटी ओनली, उन्होंने अपना घर वहाँ यहाँ खरीद रखा है। तो देन वी डिसाइडेड कि बेटर है, और फर्दर कभी मम्मा पापा को आना हो तो अपना हेल्थ चेकअप वगैरह, वो नो डाउट वो हमारे पास ही शिफ्ट होंगे, आज नहीं तो कल उन्होंने हमारे पास ही आना है, बट दे आर मैनेजिंग वेरी वेल देयर। उनका अपना भी एक सर्कल है, उनका अपना एक कंफर्ट जोन है वहाँ पे, ऑब्वियसली दे हैव स्पेंड ऑलमोस्ट देयर लाइफ देयर, तो एकदम से ऐसे खींच के वन फाइन डे वी कैन नॉट टेल देम टू दैट कि आप लोग हमारे साथ शिफ्ट हो, वी दे हैव अ वेरी बिग हाउस देयर ऑल्सो। तो बट दे सेड कि तुम लोग जाओ सेटल हो वहाँ पे और फिर उसके बाद वील काम। हमें भी काफ़ी हद तक ये बात ठीक लगी कि चलो ठीक है, हम वहाँ पे जाके सेटल होते हैं, सब सेटिंग करते हैं, इन ट्यून्ड होते हैं, तब तक वो भी हमारे पास शिफ्ट हो जाएंगे। अब जो चैलेंजेस हमें बीइंग मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स वाइफ फियांसे जो भी हमें फेस करने पड़ते हैं, वो मैं अब आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो वन शुड बी इमोशनली बैलेंस्ड। जितनी जल्दी सीख लोगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ जो है वो स्मूथ होने स्टार्ट हो जाएगी। मेरे को थोड़ा टफ इनिशियली फर्स्ट 2 ईयर्स में बहुत मेरा टफ रहा है, रीज़न बीइंग कि आजकल के कंपैरेटिव मेरा, मुझे लगता है कि मेरे इनिशियल के ईयर्स जो थे दे वर रियली टफ। रीज़न बीइंग उस टाइम पे कोई कम्युनिकेशन और मोड नहीं होता था, या तो मेल अगर एक महीने की कंटिन्यूस वॉयज है, ओशन में है, वो एक महीना कंटिन्यूस वॉयज चल रही है उनकी, तो बीच में सिग्नल नहीं होते हैं, और रोज़ सैटेलाइट फोन्स करना, कॉल्स करना इज़ नॉट पॉसिबल, दे आर डैम एक्सपेंसिव।
तो वो पॉसिबल नहीं, हफ्ते में एक या दो बार होता था, वो भी 5-10 मिनट्स के लिए कॉल करनी, एंड एवरीबडी उसी 5-10 मिनट में सबको हालचाल पूछने होते थे, सबको अपने अपने लेटेस्ट बताने होते थे, तो आपके पास कुछ एक आधा मिनट ही आता था बात करने का। और मेल्स के थ्रू आप बात नहीं कर सकते थे क्योंकि पर्सनल बातें मेल्स में नहीं लिखी जाती, क्योंकि सब पढ़ते हैं वहाँ पे, जो आईडी होती है ऑफिशियल आईडी दी जाती है उनको शिप की, तो सब पढ़ते हैं, इसलिए कोई पर्सनल बातें कोई लिख नहीं, क्योंकि मेरे को इन्होंने पहले ही शादी से पहले बोल दिया था मोहित ने कि मेल आईडी में कोई भी पर्सनल बात मत लिखना, क्योंकि रीजन बीइंग सब पढ़ते हैं वहाँ पे, तो फिर क्यों किसी को अपना एक टॉपिक दे देना डिस्कशन का। आई फाइंड इट वेरी वेरी मच रैशनल अबाउट दिस, उनके व्यूज़ इस चीज़ के बारे में। तो इमोशनल बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो कि बात नहीं हो पा रही है, ये नहीं हो पा रहा है, मतलब आप नए नए उस इमोशन को फेस करते हो, तो आपको ये नहीं समझ आता हाउ टू चैनलाइज एंड हाउ टू रिजॉल्व दैट इमोशन। तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, और फ्रस्ट्रेशन तब आपकी, अगर कोई ना एक्सेप्ट करे, आपको ना समझे, तो वो फ्रस्ट्रेशन ट्रिपल होके आपके पास आती है। आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आप एकदम से, आपको, आप क्लियरली उस चीज़ को कन्वे नहीं कर पा रहे हो अपने इन लॉज के पास, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, तो फिर यू टेंड टू बी इरिटेटेड ऑल द टाइम। ठीक है, अगर आपको उन्होंने समझ लिया तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझा तो वो चीज़ कुछ और ही शेप ले लेती है। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग वट आई वॉन्ट टू से। तो वो कुछ और ही शेप ले लेती है, और फिर वो चीज़ें क्या है, फ्रिक्शंस बन जा आ जाती हैं आपके। सो बेटर है आप पहले ही इस चीज़ को इमोशनल जो है अपना, उस चीज़ को बैलेंस रख के चलो। प्रॉम्प्ट रिएक्शंस बिल्कुल मत दो, किसी भी चीज़ का प्रॉम्प्ट रिएक्शन नहीं देना है। आप अगर इरिटेटेड हो गए हो, या आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी है, आप हर्ट हो गए हो, या आप हैप्पी हो, एकदम से प्रॉम्प्ट रिएक्शंस मत दीजिए, एकदम से प्रॉम्प्ट रिएक्शंस मत दीजिए। थिंक अबाउट इट, आप उसके बारे में सोचिए कि मैं अगर ये कन्वे करती हूँ, क्या ये क्या इम्पैक्ट दे सकता है हमारे रिलेशन पे, क्योंकि ये रिलेशंस जो होते हैं ना इन लॉज के साथ, वो बहुत ही नाजुक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मतलब क्योंकि नए नए होते हैं ना, उनको भी आपकी नेचर नहीं पता होती, आपको भी उनकी नेचर इतनी नहीं पता होती, तो आपको बहुत ही ध्यान ध्यान से चलना पड़ता है। ठीक है, इस चीज़ में मैं थोड़ी लकी रही हूँ कि मेरे इन लॉज जो हैं वो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हैं, दे आर क्वाइट मॉडर्न एंड दे आर क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, तो मुझे अपना बात को रखने की इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं आई हैं। रीज़न बीइंग मैं भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मेरे मदर इन लॉ भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर उनको मेरे अंदर कोई बात अच्छी नहीं लगती, इंसान हूँ, गलतियाँ होती रहती हैं, सबसे होती हैं, उनसे भी होती हैं, मुझसे भी हो जाती हैं, पर मैं उनको बोल देती हूँ वंस फॉर ऑल कि बहुत आराम से, बहुत ही प्यार से और बहुत ही तरीके से उनको मैं समझा देती हूँ कि ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी, इस चीज़ से मैं हर्ट हुई हूँ, या ये चीज़ मुझे बहुत बॉदर की है, काइंडली इस चीज़ को आप मत रिपीट कीजिए। और सेम वे वो भी ऐसे बोल देते हैं, बोलने से क्या होता है, आप बहुत जल्दी ही इमोशंस एक दूसरे की समझने लग जाते हो, आपको पता लग जाता है कि वो इंसान कैसा है, उस इंसान के साथ कैसे डील करना है, इसलिए प्रॉम्प्ट रिएक्शन नहीं, सोच समझ के आगे से देखो, पहले उसकी नेचर देखो। अगर एक सपोज वो गुस्से वाला है, आप एकदम से प्रॉम्प्ट रिएक्ट कर दो, वो गुस्सा तो और बढ़ जाएगा, तो इसलिए उस टाइम रुक जाओ, सोच के फिर उस चीज़ के बारे में डिस्कस करो, एंड मेक इट वेरी मच क्लियर कि जितनी रिस्पेक्ट बड़ों को चाहिए उतनी ही रिस्पेक्ट छोटों को भी चाहिए होती है ना। अगर उनको बोलो कि आप मुझे रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, तो मैं भी आपको ट्रिपल रिस्पेक्टफुली बात करूँगी। ठीक है, इट्स एवरीथिंग अबाउट गिव एंड टेक, हाउ यू विल डील। और एक और बात, जो आपका अपना एक मी टाइम है, उसको ज़रूर रखिए पूरे डे में। आप सारा दिन अपने इन लॉज के साथ स्पेंड कीजिए, अपनी फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कीजिए, अपने सबके साथ, इनफैक्ट अपने हस्बैंड के साथ भी स्पेंड कीजिए, पर दिन के 2 घंटे आप अपने लिए निकालिए। एक स्पेस, हर रिलेशन में एक स्पेस बहुत ज़रूरी है, एक कंफर्ट जोन बहुत ज़रूरी है, तो अपना एक लिमिट सेट कर लीजिए कि इस लिमिट के आगे मैंने नहीं जाना है, और इस लिमिट के आगे मैंने किसी को नहीं आने देना है।
ठीक है, इससे क्या होता है, पहले ही आप अपने सॉर्टेड होते हो तो आप उतना ही कम हर्ट होते हो, उतना ही अगला कम हर्ट होता है, उतनी ही एक्सपेक्टेशन लिमिटेड हो जाती है, उतनी ही आपकी भी एक्सपेक्टेशन किसी से लिमिटेड हो जाते हैं. तो सेट योर लिमिटेशंस फॉर एवरीथिंग. आई मस्ट से प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ शायद मैंने अपनी बेटी से सीखी है. मैं तो बहुत इमोशनल हूँ, मैं सच्ची बताऊँ मैं बहुत इमोशनल हूँ. मैंने अपनी लाइफ ऑलमोस्ट जितनी भी शादी अभी तक है, अभी मैंने प्रैक्टिकल होना स्टार्ट किया है, अदरवाइज मैं बहुत इमोशनल थी. मतलब हर मैं और इमोशंस के चक्कर में ना कोई आपको पागल भी बना देता है और आप खुद भी बन जाते हो. तो इमोशनल थोड़े कम बनिए, प्रैक्टिकलिटीज़ में ज़्यादा बिलीव कीजिए. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बी क्लियर विद योर व्यूज़. अपने व्यूज़ अपनी जो व्यूज़ हैं उनको एकदम से क्लियर रखिए. पता लिमिटेशंस मैं बात कर रही थी आपको कि एक पर्सनल स्पेस बनाने से, एक लिमिटेशन सेट करने से क्या होता है, आपकी इंपॉर्टेंस मेंटेन रहती है. नहीं तो क्या है, आप कई बार फॉर ग्रांटेड लेना महसूस, थाली का मैंगन होता है ना कि चल इसका पति तो शिप में है कहीं पे, अभी इसको एडजस्ट कर लो, ऐसे बहुत होता है. तो नो, यू शुड बी फर्म फॉर दैट कि आई एम नॉट ऐसा वैसा. ठीक है, मेरी अपनी इंपॉर्टेंस भी है, मेरी अपनी स्टैंडिंग भी है लाइफ में, मेरे को ऐसे स्टपनी की तरह कहीं पे भी एडजस्ट नहीं किया जा सकता. बी पर्टिकुलर, बी वेरी मच क्लियर अबाउट दैट बिफोर हैंड. और घर की किच पिच में पति को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसने आपका साथ दिया तो वो अपने पेरेंट्स की तरफ पे गया, और अगर उसने पेरेंट्स का साथ दिया तो वो आपकी तरफ से गया. मतलब वो पिसेगा तो दोनों तरफ से ही पिसेगा, वो बेचारा ना इधर का ना उधर का, तो बेटर उसको लो ही नहीं. ये चीज़ तो मेरे हस्बैंड ने पहले दिन से मुझे क्लियर कर दी थी कि तुम्हारा कुछ भी होता है तो यू सॉर्ट इट योरसेल्फ, डोंट लेट मी एंटर. और जहाँ तक मुझे लगता है 100% ही वॉज राइट. अगर क्योंकि अगर अब मैं प्रैक्टिकल होकर सोचती हूँ ना, अगर वो मेरी साइड ले लेता तो शायद उसके पेरेंट्स को बुरा लगता, अगर वो उनकी साइड लेता तो शायद मेरे को बुरा लगता. तो इसलिए ठीक है, वो बैलेंस है, वो सीन में ही नहीं आते, इट डजेंट कम इन टू द सीन. ठीक है, जब जहाँ तक मुझे लगता है बात बहुत अच्छी है. तो यहीं तक था मेरा, तो बस एक ही मेरा आपके साथ वो है कि प्रॉम्प्ट रिएक्शन नहीं देने, अपनी इम्पोर्टेंस को मेंटेन करके रखना, और अपना व्यू ज़रूर आगे रखना. स्टपनी कभी नहीं बननी, कभी स्टपनी नहीं बनना, बी अ मेजर टायर जिसको बोलते हैं ना, एक मेजर रोल ऐसा करना, अपनी एक पर्सनल स्पेस ज़रूर रखना, फिर सब कुछ सॉर्टेड रहेगा. एंड बी क्लियर आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या नहीं अच्छी लगती है, उसको कैसे कन्वे करना है, पोलाइटली कन्वे कीजिएगा. चलो ये तो थी बातें, अब मैं आपको बताती हूँ शॉर्टकट में क्या आपको करना है क्या नहीं करना है. एक तो आपको प्रॉम्प्ट रिएक्शंस नहीं देने हैं, किसी भी टॉपिक पे प्रॉम्प्ट रिएक्शन मत दीजिएगा, बात क्या की क्या बन जाती है, कुछ पता नहीं रहता है. इसलिए थिंक इट ओवर, गिव इट अ पॉज, थिंक इट ओवर एंड देन रिएक्ट. उसके बाद फिर पर्सनल स्पेस ज़रूर बना के रखिएगा अपनी, पूरे दिन में 2 घंटे अपनी, और एक लिमिटेशन सेट कर दीजिएगा कि इस लिमिटेशन, ये मेरी लिमिट है, इसमें ये कर सकती हूँ और मैं क्या नहीं कर सकती. ठीक है, इससे क्या है एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो भी उसी हिसाब से रहती हैं, आपके कम्फर्ट जोन के हिसाब से रहती हैं, और आप भी कुछ हद तक किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करते हो जब आपकी लिमिटेशन सेट होती हैं. हेड स्ट्रॉन्ग उसको आप फॉलो कीजिएगा. उसके बाद बी क्लियर अबाउट योर व्यूज़, अपने व्यूज़ क्लियर कीजिएगा, और अपनी इम्पोर्टेंस खुद बनाने में, घर में आप नए आए हो उस फैमिली में, आपको खुद को अपनी इम्पोर्टेंस बनानी है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ कि बिल्कुल भी एक स्टपनी की तरह मत बिहेव कीजिएगा. बी स्ट्रॉन्ग टू योर वर्ड्स, बी स्ट्रॉन्ग टू योर सेल्फ, यू आर एन एजुकेटेड वुमन, यू कैन हैंडल एवरीथिंग. एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग, गिव रिस्पेक्ट टू देम एंड गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम देम. ठीक है, और यही थी मेरी आज की वीडियो. होपफुल आपको ये वीडियो जो है थोड़ी हेल्पफुल रही होगी. पहले के टाइम और अब के टाइम में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है. अब तो दिन में कितनी बार भी कॉल हो जाती हैं, तो पहले नहीं होती थी. पहले जो थे इमोशंस ये इकट्ठे हो के फिर एकदम से ब्लास्ट होता था. अब ये चीज़ें नहीं हैं, अब बहुत ही सॉर्टेड हो गई है लाइफ. नाउ नथिंग, ऐसा नहीं लगता कि बहुत दूर है. कमी तो देखो महसूस तो होती है, ऐसी बात नहीं है, कमी तो खलती है, पर चलो ठीक है, बात हो जाती है, देख लेते हैं तो थोड़ी सी शांति बढ़ जाती है. ठीक है, चलो अगली वीडियो में मैं आपको अपना हाउस टूर दूंगी, छोटा सा मेरा घर, उसको देखिए. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल.
बाय गाइस।